वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग फिर से क्लास 11th का नया टॉपिक लेकर आए हैं, सीबीएसई बोर्ड का है, जिसमें कि हम लोग आज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग ने आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो तो आपको हो सके बिल्कुल पसंद आएगा तो आप इसे लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक पर प्रोसीड करते हैं। तो क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑन इकोनॉमी? तो इकोनॉमी में बेसिकली जो तीन प्रॉब्लम पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, और ये तीन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो वर्ड है, इससे आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्शन किस चीज़ की होनी चाहिए। तो जैसा कि देखिए हमारे क्या है सभी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोगों का वहाँ पे लिटरेसी रेट एंड वहाँ प्रोडक्शन रिसोर्सेस सब कुछ क्या होता है कि एक सीमा तक एक डेफिनेट होता है। तो रिसोर्सेज जहाँ तक है कि सब जगह सभी कंट्री में डेफिनेट होता है। तो अब कैसे लोगों का वांट्स एंड नीड्स को फुलफ़िल होता है, तो नीड्स एंड वांट्स का फुलफ़िल करने के लिए पहले तो वहाँ का रिसोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता है, वहाँ के पीपल्स को, वहाँ गवर्नमेंट को एंड एवरीबॉडी। जैसे कि आप जानते होंगे कि कहीं पर आप देखोगे कहीं बच्चे की संख्या ज़्यादा है, यहाँ कहीं बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, तो आप क्या देखोगे वहाँ पे कि आप बच्चे लोग जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या ज़रूरत होगी कि उनको प्रॉपर स्कूलिंग उनकी अच्छी हो सके। फिर से आपको जो है वहाँ पे उनका जो मतलब कि ईडेबल आइटम्स होता है वो प्रॉपरली अवेलेबल हो सके, फिर उनका प्लेग्राउंड रहे, और भी डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ थिंग्स होता है जो रिक्वायरमेंट होती है, तो ये चीज़ होता है। फिर कहीं बुज़ुर्ग है, तो बुज़ुर्ग है तो क्या होता है कि वहाँ पे सबसे फॉरमोस्ट थिंग क्या होता है कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर हो सके। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पे हमारा डिमांड्स एंड वहाँ पे जो होता है रिसोर्सेस, उस पर क्या होता है कि पूरा डिपेंड करता है। तो वहाँ पे जो डिपेंड होता है तो वही वहाँ पर पब्लिक या पीपल्स जो होते हैं उनके वांट्स को फुलफिल होती है। फुलफिल क्या होती है, रिसोर्सेस ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शंस उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप जान गए कि किस तरह क्या प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेस व्हाट द कंट्री इज अवेलेबल एंड द पीपल्स वांट्स एंड नीड्स, दिस द थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये व्हाट तो हमने समझ गए, व्हाट मतलब होता है क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, तो प्रोड्यूस आपको मैं बता दी। अब बोलते हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस होता है किस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन जो है बेसिकली दो तरह का है, इसमें बता रहा है कि हाउ टू प्रोड्यूस में एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका वहाँ पे लेबर्स जो होता है रेडली अवेलेबल हो जाता है, मतलब लेबर्स आपको सब जगह मिल रहा है। जैसे कि इंडिया एक बहुत पॉपुलस कंट्री है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है आपका जो है सो कैपिटल इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, हमारा कैपिटल तो आप लोगों को पता ही थोड़ा कम है। तो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे लेबर्स सब रेडली अवेलेबल, तो यहाँ पर लेबर्स इंटेंसिव लेबर्स रहते हैं और वो वर्क करते हैं, बट कैपिटल जो होता है और रिसोर्सेज जो है वो डेफिनेट है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर देयर इज़ अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड टेक्निक इट इज़ यूज्ड। एंड जैसे कि आप जैसे कैपिटल इंटेंसिव, तो आप जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, रशिया एंड मैनी मोस्ट कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या होता है कैपिटल, यहाँ पे क्या पॉपुलेशन बहुत कम है। आफ्टर जब पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे क्या है कि सभी के पास कैपिटल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो है सो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन का टेक्निक वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है लेबर्स रेडली अवेलेबल ही होता है। आप सुनते भी होगे और जानते भी होगे कि यहाँ से जैसे कि इंडिया से या डिफरेंट जो पुअर कंट्रीज़ है या डेवलपिंग नेशन से, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके उधर कंट्री में जाते हैं या लेके जाया जाता है। क्यों लेके जाया जाता है, ताकि वहाँ पे उनको लेबर्स प्रोवाइड हो सके। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पे कैपिटल है तो लोग बड़ी बड़ी मशीन्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और उससे लेबर्स वो उनका रिड्यूस रहता है, कम रहता है, लेबर्स को ना रिक्वायरमेंट नहीं होता है और वो अपना वर्क को काम करते हैं। तो इस तरह से हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन का होता है। आफ्टर देन फिर क्या होगा कि अब हमने व्हाट भी कर लिया एंड हाउ टू प्रोड्यूस भी कर लिया, ये दोनों कर लिया, इसमें लेबर भी का बात कर ली हमने और कैपिटल इंटेंसिव
प्रोडक्शन टेक्निक का भी बात कर लिए। अब फॉर होम, अब ये दो चीज़ तो हो गया, अब लेकिन अब क्वेश्चन मारा है कि हमसे पूछा है कि ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है तब किसके लिए प्रोडक्शन करें। अब किसके लिए प्रोडक्शन करें तो फॉर होम टू प्रोड्यूस तो क्या है इसमें कि लेबर, लैंड, कैपिटल, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर, ये पांच चीज है। ये जो पांच चीज है इसी को हम लोग क्या करें, इस लोग के लिए हम लोग प्रोड्यूस करें फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो लैंड जैसे कि हम, तो लैंड के क्या 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 कैसे यूज हो सकता है, तो लैंड जो है तो उसको हम रेंट पे दे सकते हैं, एक पहला यूज हो सकता है। फिर दूसरा है लेबर्स, तो लेबर को हम लोग क्या देते हैं, लेबर को हम लोग वेजेस देते हैं, हम उनको सैलरी देते हैं, जो काम करते हैं वो दिन भर का जो उनका वर्क होता है तो उसके लिए हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, वेजेस देते हैं। तो ये हो गया आपका। आफ्टर देन कैपिटल है, तो कैपिटल से हम लोग क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलता है, जैसे बैंक में आपका पैसे अपना डिपॉजिट करते हो तो क्या होता है कि आप कुछ समय के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो उसी तरह कैपिटल है तो उस पर क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलता है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो होता है इससे क्या होता है सैलरी प्रोड्यूस प्रोडक्शन, जैसे सर्विसेज, सर्विस सेक्टर जैसे होता है तो उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट में ये के अंदर आता है तो उसमें क्या होता है कि सैलरी प्रोडक्शन होता है। फिर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स में क्या होता है कि इसमें सोल जो होता है उनका, मतलब कि मेन मोटो जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड करता है। जैसे बिग बिग बिजनेसमैन जो होते हैं तो वो क्या कर, वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो वो अपना बिजनेस जो है सिर्फ देखते हैं कि ये मेरा बिजनेस किस तरह से प्रॉफिट पे जाए। तो जैसे आप जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि उनका जो मेन मोटिव होता है कि वो उनका बिजनेस प्रॉफिट हो, लॉस नहीं हो, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस पे ये वैरी करता है। तो एंटरप्रेन्योर्स को जो होता है तो उनका जो रिस्क जो होता है जो वो कंप्लीटली जो डिपेंडेंट होता है वो इस पे, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट एंड लॉस पे। एंड तो ये सब जो तीनों जो चीज़ मैंने आप लोग को बताया तो ये तीनों जो है सिर्फ प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी तो ये ही तीन जो चीज़ है आपको बेसिक थिंग्स जो है आपको दिमाग में हमेशा रखना होगा कि क्या क्या हो सकता है ये प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली आज हमने तीन इसका जो प्रॉब्लम उस पर हमने डिस्कशन किया है और होप सो आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।